धम्म पद गाथा क्रमांक 42, आज दिनांक 18 मई 2020 है। ये धम्म पद की गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने जब वो कोसल जनपद में रहते थे उस समय नंद गोपाल लक को उद्देश्य करके ये गाथा कही है। धम्मपद दिशो दिशं यंतं कैरा वेरी वापन वेरिनं मिच्छापनीहितं चित्तं पापियो नं ततो करे। जब कोई व्यक्ति मिथ्या मान्यता में पड़ जाता है तो उसका बड़ा अनर्थ हो जाता है। शत्रु जितनी शत्रु की हानि कर सकता है उससे कई गुना बहुत हानि करता है हमारा अपना मिथ्या दृष्टि पर, गलत धारणा पर लगा हुआ मन, ये चित्त बहुत हानि करता है। इस प्रकार के भावार्थ से ये गाथा तथागत बुद्ध ने कोसल जनपद में कही। जब बुद्ध जेतवन विहार में रहते थे तो उस समय अनाथ पिंडक के यहां उनकी गायों को चराने वाला एक नंद गोपालक, वो हमेशा अनाथ पिंडक के यहां आता था और वहां आकर वो श्रावस्ती के विहार में भी बुद्ध को मिलने जाता था और बुद्ध का प्रवचन वो सुनते रहता और बहुत बार वो आग्रह करता कि भगवान आप हमारे गांव पधारिए, हमारे यहां भी आइए। इस प्रकार का वो निमंत्रण बुद्ध को और भिक्षु संघ को देते रहता था। वो गौ को पालने वाला गोपालक, लेकिन उसके मन में वो श्रद्धा जगी, निमंत्रण देते रहता था और अनाथ पिंडक से उनको हर महीना आर्थिक मदद मिलती थी, पैसा मिलता था और उसी पर वो गौ को चराकर उसके दूध दही मक्खन आदि प्रकार के आने वाले, उससे मिलने वाले लाभ से वो अपना परिवार चलाता, लड़के बच्चों का पालन पोषण करता और वो दे देता उनको अनाथ पिंडिक को, और उसके बदले जो उसको पैसा मिलता है उस पैसे पर ये अपना पालन पोषण करता, क्योंकि उसके पास तो पैसा नहीं था, ये अनाथ पिंडिक की गौओं को चराता था। लेकिन बुद्ध को निमंत्रण देते रहा कि भगवान आप हमारे यहाँ कभी पधारिए, हमारे यहाँ कभी पधारिए भिक्षु संघ के साथ। अब एक दिन बुद्ध ने सोचा, बुद्ध ने क्या उनका भविष्य देखा, बुद्ध को लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए और वहां जाकर वो जहां उनका घर था नंद गोपालक का, तो उसके घर के नजदीक एक बहुत बड़ा वृक्ष था, बहुत बड़ा पेड़। उस पेड़ के नीचे ये बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ जाकर बैठ गए तो नंद गोपालक ने देखा कि बुद्ध आए हमारे गांव। उसको जब पता चला तो जाकर बड़े श्रद्धा से उन्होंने बुद्ध को वंदन किया, स्वागत किया, स्वागत सत्कार किया और बहुत प्रसन्न मन से उन्होंने
बुद्ध को भोजन दान दिया, बुद्ध को, भिक्षु संघ को, सभी को, और एक दिन नहीं तो 7 दिन तक वो निरंतर भिक्षु संघ को भोजन दान देते रहा, 7 दिन तक सेवा करते रहा। और जब 7वां दिन आता है तो तथागत भगवान बुद्ध ने उनको आशीर्वाद दिया, उनके दान का अनुमोदन किया, और अनुमोदन करने के बाद वो बड़ा प्रीति प्रमोद में था, वो श्रोतापन्न बन गया, यानी बड़ी ऊंची अवस्था श्रोतापन्न की गृहस्थों के लिए होती है, तो श्रोतापन्न बन गया। अब ऐसी श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त की थी अनाथ पिंडक ने भी, वो तो बहुत धनी था, बहुत दान देता था, लेकिन ये इसने भी, अब बुद्ध की अनुकंपा कहिए, उसका योग कहिए, तो बुद्ध के अनुमोदन के बाद, दान का अनुमोदन जब बुद्ध ने किया और भिक्षु संघ ने किया, तो यह श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर गया। और उसके बाद फिर बुद्ध अनुमोदन करके दान का उनको श्रोतापन्न बनाकर बुद्ध वहां से जा रहे भिक्षु संघ के साथ। तो ये नंद गोपालक ने भगवान बुद्ध का पात्र लिया अपने हाथ में, और पात्र लेकर वो भी दूर तक बुद्ध के साथ साथ चलता है, पात्र हाथ में लिए हुए, बुद्ध आगे आगे चल रहे, पीछे पीछे चल रहा, भी कुसंग भी चल रहा। तब कुछ दूर जाने के बाद बुद्ध ने कहा, नंद गोपालक रुको, पात्र मेरे हाथ में दे दो। और बुद्ध ने पात्र अपने हाथ में लिया और बुद्ध चलने लगे। नंद गोपालक वहां से, यह नंद गोपालक घर आ रहा, वापस आ रहा है। वापस घर में आते समय किसी एक शिकारी ने उनको बाण से बिंध दिया। शिकारी ने बाण मारा और बाण मारकर नंद गोपालक मर गया। अब पीछे जो भिक्षु आ रहे थे, बुद्ध तो आगे चले गए, तो पीछे कुछ भिक्षु आ रहे थे, उन्होंने देखा, अरे नंद गोपालक ये तो मर गया, किसी ने हत्या कर दी, इसकी बाण मारो इसको। और बाद में जब वो बिहार गए तो बिहार जाकर बुद्ध को बताया उन भिक्षुओं ने, भगवान जो नंद गोपालक जिनके यहां आज हम भोजन करके आए, जो हमारे साथ साथ चल रहा था, तो हमने देखा कि किसी ने बाण मारा और मर गया। तो भिक्षु पूछ रहे थे बुद्ध को, भगवान आप यदि वहां नहीं जाते तो शायद ये नहीं मरता, ऐसा भी कभी हो सकता है, हम वहां गए, दान भी दिया, आया हमारे साथ और जाते समय मर गया। तो ऐसा बुद्ध को उन्होंने, भिक्षु ने पूछा, तो बुद्ध ने कहा, देखो भिक्षु, जब मृत्यु आती है ना आदमी की, तो चारों दिशाओं से, चारों उपदिशा, चारों मुख्य दिशा, दसों दिशाओं से ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो मृत्यु को रोक सके। जब वक्त आता है तो किसी भी जगह आदमी छिपा हुआ हो, आदमी कहीं भी नहीं छुप सकता मृत्यु की आंखों से, वो जहां कहीं हो, कहीं भी, जब वक्त आता है, मृत्यु आती है, तो कहीं भी किसी न किसी निमित्त से
उस व्यक्ति की किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। और उस समय बुद्ध ने कहा कि दिशो दिशा यंतं कैरा, ये वैरी शत्रु जितना किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं जो शत्रु होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मकान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके जमीन जायदाद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको भी कोई शत्रु मार सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं यह शत्रु उनसे भी अधिक नुकसान करने वाला यदि कोई है तो वो हमारा अपना चित्त है। यदि हमारा चित्त मिथ्या दृष्टियों में पड़ा हुआ हो और मिथ्या धारणा से कभी चलता हो तो पुराने संखार कभी उसके साथ आने के कारण वो शत्रु से भी ज्यादा है। ये चित्त व्यक्ति को आदमी को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए चित्त को हमेशा हर समय पल पल जागृत रहकर उसे संभाले रखना चाहिए, उसे परिशुद्ध करना चाहिए, निर्मल करते रहना चाहिए। ये बात पता भगवान बुद्ध ने यहां पर कही। और उसके बाद बुद्ध को भिक्षु संघ ने हमेशा पूछते थे भिक्षु संघ, तो बुद्ध को भिक्षु संघ ने पूछा भी नहीं कि इनका पूर्व जन्म कैसा रहा क्या रहा, पूछा भी नहीं। और भिक्षु संघ ने नहीं पूछा तो बुद्ध ने भी कोई उसको बताया नहीं, भिक्षु संघ को बताया ही नहीं। और ये जो गाथा कही ये उसी समय मिच्छा पनिहितं चित्तं पापियोनं ततो करे दिशो दिशं यंतं कैरा वीरी वापन वीरिनं। तो वैरी उनसे भी ज्यादा हमारा चित्त वो बहुत हमें दुखी करता है, परेशान करता है, दंडित करता है और वो हमें दुर्गति को ले जाता है। तो चित्त को संभालना बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए बहुत कल्याणकारी है। प्रज्ञावान व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा को बढ़ाकर हमेशा अपने चित्त को परिशुद्ध करना चाहिए। इसी में सबका मंगल है। आप सभी का मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले। सद्धम्म की सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप हमारी यूट्यूब के चैनल में जाकर, जो डॉक्टर बदंत राहुल बोधी के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, वहां जाकर और भी बड़ी विस्तार पूर्वक बुद्धवाणी को सुनना है सुनिए, जरूर सुनिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, दूसरों को भी भेजिए, आपको पुण्य मिलेगी। सद्धम्म का पुण्य आपको मिलता रहे, आपका मंगल हो।